आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन लाइन में एडमिशन के लिए कैसे होते हैं एडमिशन? तो मैंने ना बेसिकली मेरे बच्चों से कलेक्ट किया. इट इज़ फॉर बेसिकली यू आर एड्रेसिंग द पीपल हु आर विलिंग टू जॉइन एंड हु हैव नो आइडिया कि क्या करना. हमारे टाइम में कोई नहीं था. हाँ, इज अ बिग प्रॉब्लम. Why FTI is important? देखो अगर मतलब तुम्हारा connections है, तुम लोगों को जानते हो, अगर तुम्हारे contacts है, तब तो ठीक है. You can directly approach people and start working, start getting projects or whatever. But if you don't have any, like we both don't have, so that way, if you want to approach people, if you want to get connected with people, if you want to know your seniors, if you want to know industry people, then it's definitely a point where you meet people and then you learn about so many things that you haven't imagined that is required as a filmmaking enthusiast or whatever. So wo sab cheeze matlab tumko yahan aake realize hota hai, and the more you realize, the more you'll grow basically. So it's just a door that opens for you, and then you enter it, and there are so many doors that you need to take. Okay. Drawing based something. Yes, a background from art basically, a fine artist. अप्लाइड आर्ट इंटीरियर डिजाइन. अच्छा. एंड इट हैज़ टू बी अ 4-year डिग्री कोर्स. तो कोई भी ऐसा इंजीनियर वगैरह है नहीं? नो, इंजीनियर्स को आर्किटेक्ट है. आर्किटेक्ट्स आर अलाउड, यस. अच्छा. बिकॉज दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर आर्ट. दे बेसिकली हैव टू गो थ्रू द सेम बेसिक डिजाइन कोर्स दैट वी ऑल्सो गो थ्रू. एक फाउंडेशन कोर्स होता है किसी भी आर्ट प्रोग्राम को परसू करने से पहले. तो फाउंडेशन कोर्स इज बेसिकली सिमिलर फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, अप्लाइड आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स. यू कैन बी अ स्कल्प्टर ऑल्सो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी डिग्री होनी चाहिए, विच इज लाइक वैलिड हियर इन FTI. फोटोग्राफी वगैरह भी? वो तो इलेक्टिव. फोटोग्राफी, एनिमेशन. एनिमेशन ऑल्सो वर्क्स, यस. सिर्फ तुम्हारे सर्टिफाइड डिग्री कोर्स होना चाहिए. ओके. एग्जाम के लिए कैसे तैयार किया था तुम लोग? लाइक हाउ डिड यू, व्हाट वाज योर गेम? आई वाज वंडरिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बट देन देर आर नो बुक्स अवेलेबल. हाँ, देर इज नो लाइक अ सिलेबस लाइक दैट व्हाट यू गो थ्रू. हाँ. एंड देन आई रिमेम्बर आई विजिटेड द इंस्टीट्यूट बिफोर द एग्जाम बिकॉज आई वॉज क्यूरियस वॉट शुड आई बी प्रिपेयरिंग फॉर. And then I found out from the faculty that basically what we go through in our art training in the bachelor's, that is the base. Achha. That is exactly what they are looking for. Yeah. So if you are good with your basics. Yeah. Basics of like elements of design, basics of painting, basics of composition. Huh. If you are good with that, even if you are not good with your drawing, your skills are not that good, but your composition sense is good, that also works, basically. Vision. Your vision. They're just looking for vision and inspiration, that's it. And you need to be upgraded with all the general knowledge and all the current affairs that is happening around you. It's not that you out of anywhere you will just come and you will be like, okay, I was just practicing art and I am not aware of anything around me. That doesn't work. You should be aware of everything that is around you. So, and any specific technical knowledge you have? Technical to no, manageable. Technical knowledge mostly FTI में आने के बाद ही मिलता है. मतलब पहले तुमको basics ऐसे aspect ratio क्या है, camera क्या है, लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज का रेंज क्या होता है, हाँ, ड्राइंग में एक पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज. तुमको कंपोजिशन कैसे के क्या रूल्स है, रूल्स है, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हो कि रूल्स है तो एकदम रूल्स पे फिट रहो. रूल्स जानो देन ब्रेक इट. मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिना जाने समझे यू आर रेडी टू ब्रेक एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता है. वाह वाह वाह, यस, वेल सेड. इलेक्टिव मेरा
मेरे आर्ट कॉलेज में डिस्प्ले डिजाइनिंग था, तो आई न्यू बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड ऑल, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन फिल्म मेकिंग, लाइक या बिकॉज यू हैव टू क्रिएट सेट्स, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू ड्रॉ अ फ्लोर प्लान और ये सब. तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट था, पर सब लोग का इलेक्टिव नहीं था. जैसे मीनाक्षी का इलेक्टिव फोटोग्राफी था, शी हैड नो आइडिया ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एनीथिंग, बट दैट डिडंट स्टॉप हर टू गेट एडमिशन इन. Exactly, because you have extensive architecture and painting and carpentry and everything in campus, so you don't need to be matlab ekdam thorough with all these things, but basics aana chahiye aur films dekhe hona chahiye bahut sare. Acha, ye I can give you a different opinion on this, कि मैंने इतने films नहीं देखे थे, पर मैंने जो भी देखे थे मैंने बहुत बार देखे थे, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा detailed, like you could analyze it. I could analyze the films that I had watched, and while appearing my written test also I had written about the films that I had watched, but I could analyze them very properly, you know. या वही है कि तुमको मतलब बेसिक्स पता रहना चाहिए, कि तुम अगर कोई चीज़ अगर देख भी रहे हो तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है वो तुमको एक याद रहना चाहिए, समझ में रहना चाहिए. रिसोर्सेस नहीं है, पर जो भी आर्ट कॉलेज में होता है हम लोग मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्ट में बहुत थरो थे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा, बिकॉज देर वर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो वी हैड लर्नड अबाउट टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया और ये सब, तो उसका हम लोग को थियोरी भी होता था आर्ट कॉलेज में, तो वही है कि वो उसके बारे में भी क्वेश्चंस वी हैड टू आंसर, एंड देन वी गॉट सम जनरल नॉलेज के लिए ऐसे लाइक एकदम करंट अफेयर्स का कुछ बुक वगैरह है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. एंड यू हैव टू बी इन टच विद, एक्चुअली मैं एक यहाँ पे ही आई थी ओरिएंटेशन के टाइम पे, मैं मेरा सेकंड टाइम में हुआ था, फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे यहाँ पे जो सीनियर्स थे मेरे उन्होंने एक बुक रिकमेंड किया था, हैंडबुक फॉर प्रोडक्शन डिजाइनर्स, ठीक है, वो बुक मैंने काफ़ी थरली पढ़ भी लिया था, और उसके पीछे ऐसे 100 फिल्म्स का एक लिस्ट था, मुझे भी मतलब हाँ जो देखना चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं था पहले, तो मैंने देखा था सारा ढूंढ सारा, हाँ तो वो एक मेरे लिए एक अच्छा एक्सरसाइज था, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी मच ये फिल्म और इसके बैकग्राउंड से या ये सब चीज़ें नहीं थी मेरा, तो वो मैंने ऐसे पढ़ा था, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% उस बुक से चीज़ें आती है, क्योंकि उस बुक से नहीं आता है, इट्स जस्ट you will get to know what you मतलब some people actually as an artist they don't even know ki what they are getting into, hai na, matlab what they are going to do, they just know that there is a course like art direction and production design which is something that as an artist you can apply, so some people just apply like that, but by reading that book you will realize what art director or what a production designer does, so that is also somewhat for me it feels it's important, yes. To follow your passion or to follow what you are going to do you should know at least the basics of it, wo ek book mujhe kafi help kiya tha, uske alawa tum aur ye book free mein available hai internet pe, tum download karke ke wo book hai. उसके अलावा हाँ जीके आर्ट और मतलब जनरल नॉलेज और आर्ट से रिलेटेड जो भी फाइन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे इसने बोला कि आर्किटेक्चर और ये सबसे जो टेंपल आर्किटेक्चर है ये सब का जो एक नॉलेज है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्लस यूरोपियन, अगर तुमको रहता है यूरोपियन अगर आर्किटेक्चर का उतना नहीं भी है मतलब यूरोपियन सिर्फ आर्ट का फाइन आर्ट्स का भी है,
तो भी इट हेल्प्स अ लॉट. एंड लाइक शी मेंशनड बुक्स एंड ऑल, आई हैड नो क्लू. मैं कभी मैं किसी सीनियर से टच में भी नहीं थी, तो मैंने ये सब इंटरनेट से किया था, व्हिच आल्सो हेल्प्स. लाइक आई मतलब उसका रोल, आई फाउंड आउट व्हाट इज प्रोडक्शन डिजाइन ऑन द इंटरनेट. आई टुक हेल्प ऑफ लाइक द बेस्ट 10 फिल्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन. यू विल गेट ऑल दीज लिंक्स ऑन इंटरनेट, गूगल. तो वही चीज है कि तुम मतलब सबसे पहले ये सब चीजें छोड़ के कि तुमको आना है ये छोड़ के तुमको ये ढूंढना है कि तुम क्यों आना है या क्या तुम करने वाले हो एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर. बिकॉज देयर आर पीपल हु विल जॉइन एंड दे विल लीव द कोर्स, विच इज बैड फॉर एवरीबडी. बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल हु वांटेड टू जॉइन द इंस्टीट्यूट, हु वांटेड टू परस्यू देयर ड्रीम्स, बट समहाउ दे वर नॉट एबल टू बिकॉज सम पीपल जॉइन एंड देन दे लेफ्ट. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. उसके लिए तुम पहले से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लोगे, रिसर्च कर लोगे, तो तुमको अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और मतलब तुम जनरल अवेयरनेस. बस वही इंटरनेट पे ऐसे कुछ पेजेस है. अब जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जितने भी थे एफटीआई के पुराने, हाँ ये मैंने भी किया, वो फॉलो किए मैंने. पहले तो सारे मैंने प्रिंट लिए, अच्छे से देखे, मैंने ढूंढे लिटरली. मुझे एक वेबसाइट मिला जहाँ से उन्होंने सारे क्वेश्चंस बनाए थे. सारे क्वेश्चन बनाए थे. आई गॉट इन टू दैट वेबसाइट जिसमें कि वो सारे क्वेश्चन बनाए. तो मैं वो पूरा वेबसाइट के जितने भी थे और भी उनके पास बहुत सारे ये मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जीआरई एंड कैट का प्रिपरेशंस आल्सो, सो आई न्यू सम क्वेश्चंस जो डायरेक्ट ऑन पॉइंट रहते हैं. नो आई ओनली वेंट ऑन एफटीआई वेबसाइट एंड आई गॉट सम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स. वो उससे मैं थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि किस तरीके की चीजें पढ़नी है. तो फिर वो आई टुक हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड आई रेड अप. मतलब दिस इज जस्ट मतलब आई वाज लकी टू फाइंड दोस, बट इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी कैन फाइंड दैट एंड मे बी द पैटर्न इज चेंज नाउ. आई थिंक बस जा कैसे टाइम पे जाओ एग्जाम देने. स्ट्रेस कैसे कुछ ऐसा सोचना नहीं है कि ये सोच के जा रहा है एग्जाम देने. मुझे स्ट्रेस नहीं था इस एग्जाम के. मुझे नहीं था एक्चुअली. आई हैड मैंने 2 महीना कुछ प्रिपेयर किया था. आई वाज वर्किंग एट सम प्लेस, वो छोड़ा. उसके बाद एकदम फोकस किया कि हाँ एफटीआई ट्राई करते. 2 महीना प्रिपेयर किया, उसके बाद एग्जाम देने गई. तो ऐसे लग रहा था कि शायद पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा. ऐसे इतना इट वाज नॉट 12th स्टैंडर्ड वाला जो एग्जाम रहता है ना कि जिंदगी बदल जाएगी. हाँ उतना नहीं था स्ट्रेस मुझे आइडियली एफटीआई के टाइम पे. आई थॉट कि आई विल फिगर आउट समथिंग विद लाइफ. तो मतलब ये आल्सो प्रिपरेशन से आया होगा. नहीं ये प्रिपरेशन से नहीं आया. इट्स बिकॉज़ इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई वाज गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ये एग्जाम देके ऐसा बहुत मजा आया था मेरे को. ऐसा वो नहीं था कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा. मुझे वही कि ठीक है दिस इज मतलब आई वाज ऑनेस्टली ट्राइंग टू गेट इन. पर मुझे लगा नहीं होगा, बहुत कॉम्पिटिटिव है ये चीज, नहीं होगा तो ठीक है मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी आगे जाके. उतना ही था स्ट्रेस, बाकी नहीं था. नहीं मैंने एक्चुअली ये मतलब एनआईडी और ये सब का भी एग्जाम दिया था. मैंने भी दिया ये सब का, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है मतलब थैंकफुली. मतलब एज एन आर्टिस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मतलब एफटीआई में भी वैसा ही है क्योंकि सेम एजेंसी हमारा भी उनका भी एग्जाम लेने वाली है, तो ऐसा सोच रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी आर्टिस्ट फ्रेंडली. आर्टिस्ट फ्रेंडली आर्ट फ्रेंडली. ऑल द बेस्ट बोल देना सबको प्लीज गाइस. ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर एग्जाम. पता नहीं वीडियो जाएगा नहीं जाएगा. हां ओके मुझे तो नहीं लग रहा है ये जाएगा. दिस इज नॉट अ बहुत दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस राउंड फॉर हिम आल्सो फॉर अस आल्सो. ही वाज चेकिंग.